देखिए, मेरे पास आज एक स्टार्टर आया है, सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का। तो इस स्टार्टर का थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर दोस्तों जो कैपेसिटर लगाई होती है, उसमें से जो रनिंग कैपेसिटर है वो पिघल गया है या ब्लास्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बुरी तरह से दोस्तों यह जो है डैमेज हो चुकी है। तो ये दोस्तों है रनिंग कैपेसिटर। तो ये किस लिए डैमेज होती है, किस लिए पिघलती है, किस लिए ब्लास्ट होती है, वो आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा आपको। मेरा जितना दोस्तों एक्सपीरियंस है उसके बारे उसके हिसाब से ही बताऊँगा। तो ये जो कैपेसिटर देख रहे हो आप, इसका जो डैमेज होने का सबसे ज़्यादा कारण होती है वो, अगर मोटर लॉन्ग टाइम तक कोई चलाता है, रनिंग करता है, तो उस हिसाब से कैपेसिटर धीरे धीरे गर्म होकर दोस्तों एक टाइम में पिघल जाती है। इसको हम चेंज करेंगे, इसलिए इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। और दूसरी कारण दोस्तों, कैपेसिटर अगर वीक होती है, मतलब मान लो कि कैपेसिटर का पावर जो है कम हो चुकी है और तब भी मोटर दोस्तों रन हो रहा है किसी कारण, दोस्तों रन तो हो गया, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक इसको चलाएंगे तो कैपेसिटर उस सिचुएशन में भी धीरे धीरे करके हीट होकर जो है पिघल जाती है। दूसरी कारण दोस्तों ये भी होती है, जो अगर वोल्टेज सबसे लो वोल्टेज है, अगर मतलब आपने जब मोटर को स्टार्ट किया है, देखिए हम यहाँ पे नया 50 mA कैपेसिटर लगा देंगे, ये भी 50 mA का है पुराना वाला। तो जब मान लो कि आप मोटर स्टार्ट कर दिए हो तब वोल्टेज ठीक था, लेकिन मोटर रनिंग सिचुएशन में धीरे धीरे करके वोल्टेज जो है वो डाउन हो गया और एकदम से डाउन हो गया, और तब भी मोटर दोस्तों जो है आपका जो स्टार्टर में स्विच ऑन किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों जो रनिंग कैपेसिटर के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ती है, तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम होती है, कैपेसिटर गर्म ज़्यादा होती है और पिघल जाती है। तब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो दोस्तों नहीं डैमेज होती है, ज़्यादातर ये रनिंग कैपेसिटर ही दोस्तों आपको डैमेज होने के देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर के ऊपर ही दोस्तों मोटर का लोड होती है, जो कॉइल के अंदर पावर जाती है वो कैपेसिटर के थ्रू जाती है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट कर देती है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप भी और भी कुछ जानते हो कि किस लिए कैपेसिटर पिघलती है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यही सब कारण है और यही ज़्यादातर दिखा जाते हैं। और एक कारण होती है कि बहुत ज़्यादा अगर वोल्ट आ जाती है कभी भी, तब भी कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाती है, और कैपेसिटर वीक होने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होती है। मतलब कैपेसिटर मान लो कि आपने मोटर रन कर दिया और कैपेसिटर में थोड़ा सा अगर ज़्यादा पावर थी तब वो मोटर रन हो गया, लेकिन धीरे धीरे वीक हो जाती है, तब ये भी कैपेसिटर जो है बिगड़ती है धीरे धीरे करके। तो यही सब कारण होती है कैपेसिटर बिगड़ने की। तो मैंने तो यह कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आप जब भी कैपेसिटर इस तरह का कारण देखेंगे तो कैपेसिटर चेंज तो करेंगे, लेकिन एक बार कोशिश करना इसका जो मोटर है उसको भी चेक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी मोटर भी खराब होने के कारण कैपेसिटर इस तरह से पिघल जाती है, मोटर जाम होने के कारण भी कैपेसिटर गर्म हो जाती है। तो इसको रिपेयर करने के बाद एक बार मोटर भी चेक करना चाहिए। चलिए हम इसको टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, इसका जो कॉन्टैक्ट रिले है वो सही से काम तो कर रहा है, और जब मैंने इसको दोस्तों कस्टमर के पास लेके गया और इसमें घर में इसको फिटिंग कर दिया, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्विच देने से ही मोटर दोस्तों रन हो गया और पानी उठने लगा। तो इस हिसाब से मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इस कैपेसिटर ही डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि ये पुराना हो चुका था कैपेसिटर, और इसके कारण मोटर तो रन हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके कैपेसिटर और भी वीक हो गया और एक टाइम बाद कैपेसिटर गर्म होकर दोस्तों पिघल गया। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई जानकारी आपको मिला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।